आप सबको स्वागत करता हूँ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज जिस हिंदुत्व से और राष्ट्रवाद से पूरा देश उत्प्रोत है उस हिंदुत्व और तो राष्ट्रवाद के अमर पुरोधा लोकमान तिलक के निकटतम सहयोगी संघ की बुनियाद को मजबूती देने वाले और भोसला मिलिट्री स्कूल के संस्थापक धर्मवीर डॉक्टर बी एस मुंजे का आज एक सौ जन्मदिन है मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मैं खुश हूँ क्या पूरा देश जिस हिंदुत्व से उत्प्रोत है उनका जन्मदिन मनाने का मुझे मौका मिला और जिस भोसला मिडिल स्कूल में दस साल बिताए जिसकी वजह से आज रगरग में हिंदुत्व का या सनातनता का और राष्ट्रवाद का जो उबाल है उसकी बुनियाद में मेजर प्रभाग कुलकर्णी और भोसला मिडिल स्कूल संस्थापक डॉक्टर बी एस मुंजे का ही योगदान है आज भारत में कोई नाम जो आदमी सुबह उठने पर जिसका नाम लेना चाहिए वो नाम डॉक्टर बी एस मुंजी यानी प्रातः स्मरणी जिन्होंने भारतीयता मूल भारतीयता को हमेशा जीवित रखा कहने के तो आई सर्जन थे भारत के पहले आई सर्जन थे लेकिन उनके जो के, जो रग रग में हिंदुत्व का जुवाल था वो पूरा पूरे देश ने देखा दुनिया ने देखा यानी जब जिस जब अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए आक्रमकता की जरूरत थी कांग्रेस ने हाथ डाल दिए थे उस दरमियान कांग्रेस का विरोध करने वाले पहले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर बी एस मुंजे फिर उनके बाद उनके शिष्य रहे डॉक्टर हिगड़ेवार जी जो संघ के संस्थापक रहे उन्होंने बाद में छोड़ा यानी उनकी टीम की बुनियाद राष्ट्र के लिए जितनी स्वभाव थी कि उनका एक ही लक्ष्य राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीय यानी देश से बड़ा कोई कोई हो नहीं सकता इसलिए जिस अंजाम तक जाना हो वो जाने के तैयार थे इसलिए उन्होंने जब उन्होंने मिलिट्री स्कूल की संस्थापना की मिलिट्री शिक्षा को उन्होंने चाहा कि हर व्यक्ति देश का हर बच्चा बच्चा उसको जाने जिसकी वजह से आज देखा जाए तो जो आक्रमकता है भारत की बुनियाद मूल भारत जो कह सकते हैं हम लोग उसमें हिंसा हिंसा से अपरित यानी अगर कोई हमारे आक्रमण करता है उसका उसी प्रकार जवाब दो उस मानसिकता को एकमात्र व्यक्ति देखा जाए शुरुआती दौर में वही थे सुभाष चंद्र बोस बहुत बाद में आए चरषे आजाद बहुत बाद में आए बाघा जैतीन बहुत बाद में आए खुदराम बोस जैसे लोग बहुत बाद में आए उस, उसके जनक जिसके, जिसके वो जनक रहे इस आक्रमकता की जिसकी जिसकी वजह से आज़ादी हमको मिली वो आराध्य हैं उनको देख के जो उत्साह का जो रक्त का संचार जो उत्साह का निर्माण होता है शरीर के अंदर वो अतुलनीय है लगता है कि जीवन राष्ट्र के लिए ही जीवन हमारा समर्पित होना चाहिए जीवो देश के लिए मरो देश के लिए जाने के बाद हम तो आपको तो पच्चीस पचास लाख सौ साल आदमी रहता चले जाता है लेकिन जो कार्य करके जाते हैं उसमें राष्ट्र का लाभ हो राष्ट्र हित हो ये उनको देख के जानोगे कि उनकी बुनियादी वही है लिव हर कंट्री डाई फॉर कंट्री देट इज ऑलवेज हिज स्लोगन दैट टाइम ऑल्सो जो आज भी आज की तारीख में कहा जाए तो आज भी उसका पालन करना चाहिए हर व्यक्ति को यानी देश ही महत्वपूर्ण है यानी आजादी के बाद में बहुत भा, संस्थाओं भाग्यशाली थे कि आज़ादी के बाद उनका डेथ हुआ यानी भारत को आज़ाद होता हुआ देखा उन्होंने इस बात खुशी है कम से कम जो उनका सपना था पूरा हुआ से? बहुत जल्द बहुत जल्द में घोषणा भी करने वाला हूँ काम चल रहा है क्योंकि उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण रहा हूँ मुस्लिने से मिले इतने महान महान लोगों से देश की आज़ादी के, के लिए मिले और जो उन्होंने क्रांतिकारी काम किया उस दरमियान जो गोलवे परिषद में उन्होंने अटेंड किया गांधी जी के साथ में क्योंकि गांधी जी को कभी उनका जमा नहीं गांधी के विचारधारा को संसद को जो आक्रमकता न होने की वजह से लगता था कि ठीक नहीं है लेकिन जो उनके अंदर भारतीयता जो कूट कूट के भरी हुई थी तो उनके व्यक्तित्व को लोग जानेंगे समझेंगे उतना ये देश के लिए आने वाले कल ही बेहतर होगा बहुत खुश हूँ मैं और भारत की पहली फिल्म है पेट्रियाटिक यानी राष्ट्रवादी विचारधारा होत्रो जो कांस्ट में फिल्म फेस्टिवल दिखाई गई और वहाँ के लोगों ने उसको प्रतिसाद भी किया मतलब खुशी भी हुई भारती कि भारतीयता वो चाहते थे भारत की चीज़ों को मिले आज की तारीख में भारत के अंदर जो हिंदी फिल्में बनती हैं या दूसरी फिल्में बनती है उसमें बाह बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होता है यानी बाहर का लुक दिखाई देता है तो वहाँ के लोगों का की इच्छा है कि आप भारत हिंदी, हिंदी फिल्म बनाते हो या भारतीय फिल्म बनाते हो उससे भारतीयता हो वो भारत को जानना चाहते फ्रांस के लोग बाहर के लोग तो राष्ट्रपुत्र देखने में बहुत अच्छा अच्छा लगा अन्य फिल्म में जो काम चल रहा है उस उसमें भारतीयता कुट कुट की भरी होगी यानी जो व्यक्ति देखे उसको लगे कि भारत कैसा है जाने के भारत ऐसा है देखिए संस्कृत देख तो भारत की मूल भाषा रही है हजारों साल गुलामी के दौरान बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया जिसकी वजह से हमारी मूल भाषा हमारी परंपरा सभ्यता हिली वो चाहे मुगलों की वजह से कह लो चाहे अंग्रेजों की वजह से कह लो तो उस पर समझाया नुकसान उनके आने की वजह से हुआ हमारे संस्कृत को तो जब मैं स्कूल कंप्लीट करने के बाद सोचा कि क्या काम करना है नौकरी चाकर सभी लोग कर रहे हैं और उसके परिवार चलाएं लाएँ बाल बच्चे पैदा करें क्या करें तो उस दरमान में लगा कि ये तो सभी लोग कर रहे हैं हम क्या करें तो जब भारत का भ्रमण किया हमें लगा कि लोग अपनी जड़ों से अपने संस्कृति से दूर है पूरे भारत को भारत से जोड़ने के लिए यानी जो हम रहते भारत में कई कहीं वहाँ जो ऐसा काम नहीं करते जिसमें देश का लाभ हो तो भारत को भारत से जोड़ने की प्रक्रिया है अहम ब्रह्मास्मी तो संस्कृत फिल्म बनाई बहुत दिक्कतें हुई लेकिन अच्छा रहा प्रसाद मिला जो जबरदस्त फिल्म आई पूरे देश में जो संस्कृत को लेकर उबाल है जो आक्रमकता है जो एक उद्घोष चल रहा है अहम ब्रहमाष्मी का उसमें हमारा योगदान रहा और बहुत खुश हूँ क्या पूरा देश इस संस्कृत के लिए समर्पित है आज कोई गाना कर रहा है कोई व्हाट्सअप कर रहा है कोई कुछ कर रहा है यानी पूरा देश इस वक्त अहम ब्रह्माषमी की वजह से जागरूक हो चुका है संस्कृत के प्रति पहला सम्मेलन हुआ कुछ दिन पहले एक महीने पहले साठ सत्तर साल का सम्मेलन संस्कृत का महासम्मेलन नहीं हुआ हमारे संस्कृत भारती ने पहला सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया नौ दस ग्यारह नवंबर पिछले महीने किया कि तो पहली बार विश्व स्तर पर भी, भी संस्कृत माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन रहा है संस्कृत ये तो लोग हैं प्रेम करने वाले लोग हैं चाहते हैं अपना जो बनाते हैं नाम देते हैं तो उनका अपना हो लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि पूरे भारत को जोड़ू भाषा के माध्यम से और काम के माध्यम से आर्ट और कल्चर के माध्यम से जो कमियां हैं तो पुराने जमाने युद्ध करते थे वॉर होता था, था जिस प्रकार की भाई किसी प्रदेश ने किसी आक्रमण करके कब्जा कर लिया अब तो रहा नहीं दौर अब हम लोग अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से ही लोगों को अपने अनुकूल बना सकते हैं एक विचार दे सकते हैं कि भाई परिवार के साथ साथ देश भी महत्वपूर्ण है उसके लिए जियो और अभी हम जो नया प्रयोग कर रहे हैं आज की तारीख में कि साउथ और नॉर्थ के बीच में जो लंबा गैप है साउथ के लोग नॉर्थ पसंद न करना वहाँ एक्सेप्ट नहीं करना कुछ कमियाँ नेताओं की वजह से रही है उसको पाटने के लिए हम महानायकन ने निर्माण किया और महानायकन के माध्यम से तमिल को भारत के कोने में ले आ रहे हैं और संस्कृत तो हर जगह ही रहा है इसमें कोई दो राय बहुत उम्मीद है कि प्रसन्न हूँ कि जो भाषा की के माध्यम से जो कमियाँ लोगों नेताओं ने पैदा की उसको भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं आने वाले कल में दे आर सो एक्साइटेड बिकॉज पहली बार किसी ने संस्कृत को बोलता जैसे मैं कहता हूँ तोमा सद गमय तम सोमा ज्योतिर्गम तो मृतम गमे ये सब शब्द कितने अच्छे आज कंप्यूटर भी आज की तारीख में संस्कृत को सीधा एक्सेप्ट करता है जैसे वादे वादे जाए तत्व किधर से भी जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे संस्कृत कोई शब्द को कहीं से स्टार्ट करेंगे उसका मतलब यही होता है बाकी भाषा में ऐसा नहीं है इंग्लिश में तो ही नहीं लिमिटेड भाषा लाखों शब्दावली है यानी इतना बड़ा ग्रंथ है लाखों शब्दों का मतलब जितने रिश्ते हैं माँ बा भाई बहन चाचा फूफा ये सारे शब्द की जनक है संस्कृत सबको संस्कृत ने अलग अलग नाम दिया है नाती पोते बुआ अंकल वहां तो अंकल बोल दिया खत्म हो गया वो एक ही शब्द है जिसमें सब आ जाते हैं तो पूरे एक एक शब्द को अलग अलग करता है एक एक जात को धर्म को एक चीज को अलग प्रकार से जानने का माध्यम है संस्कृत तो आज की तारीख में पूरा देश एक्साइटेड है पूरे देश में संस्कृति बातें चल रही है पहले कोई बात नहीं करता था आज मैं हर दूसरा व्यक्ति संस्कृत के बारे में बोल रहा है बात कर रहा है जानना चाह रहा है सुनना चाह रहा है वो चाहता है कि कि हम बोलें कई लोग तो मैं मिलता हूँ उनको अफसोस होता है कि भाई हमारे गार्जियन ने नहीं पढ़ाया क्योंकि उनको लगता है संस्कृत की इनकम नहीं है जो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा संस्कृत बारे में नहीं बोलूँगा आप नहीं बोलोगे हमारे देश के लोग नहीं बोल कौन बोलेगा अमेरिका लंदन भारत थोड़ी बोलने वाले हैं अब फ्रांस में जाओ फ्रांस के अंदर तो वो अपनी भाषा से सिवा किसी भाषा में बात नहीं करते फ्रेंच ही बोलते हैं ऐसे कई भाषाएँ हैं जहाँ दूसरे लोग दूसरी भाषा को एक्सेप्ट नहीं करते इंग्लिश कोई पसंद नहीं करते फ्रांस में गया मैं वहाँ पे मैं आ, जो दुकान पे स्टॉप कर मैं इंग्लिश में दो शब्द कहा उन्हें अवॉइड किया जब मैंने हिंदी में मैंने कहा या तो मराठी में इस्तेमाल किया उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने अपने समझा कि अपनी जाते अपने, अपने भाषा के लिए आप डिवटी हो इंग्लिश बोलने वाले को पसंद नहीं करते हो आपका जो भी भाषा है चाहे मराठी हो चाहे वो पंजाबी हो तमिल हो हिंदी हो आप अगर जाके बोलते हो उन लोग को तो आपको एक्सेप्ट ज़्यादा करते हैं न कि इंग्लिश बोलने के हिसाब से दिक्कत तो बहुत आई लेकिन ना मेरे पास एक उद्देश्य था कि आज फिल्में वो लोग बना लाखों फिल्में बनकर पड़ी हैं हज़ारों फिल्में बन रही हैं सैकड़ों लोग बना रहे हैं लेकिन सिर्फ उद्देश्य पास पैसा कमाना नहीं होना चाहिए हमारा धर्म होना चाहिए देश में जो भी कमियाँ हैं उसको किस जिस माध्यम से दूर कर सके दूर करना चाहिए मुझे लगा फिल्म बहुत बड़ा बड़ा माध्यम है फिल्म लोग देखते हैं सुनते हैं आसानी से लोग पहुँच जाते हैं तो हमने जो बड़ी समस्या थी नॉर्थ और साउथ के बीच का हिंदी भाषा, के लिए, भाषा के लिए की लास्ट भाषा की मारा मारी है वहाँ पे जो भी कई लोगों ने युद्ध किया पहले तो साठ सात सत्तर हज़ार लोगों की मौत हुई हाँ लाखों लोग घायल भी हो गए और कई बार अभी हाल में विवाद हुआ था अभी हिंदी भाषा को लेकर तो सवाल है कि एक मेरी भाषा मालूम है मैं मराठी बोलता हूँ या तमिल बोलता हूँ तेलुगु बोलता हूँ मेरे लिए अपने लिए हो सकता है लेकिन पूरे भारत को जोड़ने वाली जो भाषा है वो जानने के लिए वहाँ नाराज़ी नाराजगी को मैं दूर करने की कोशिश किया मैंने उनकी चीज़ों को उनकी भाषा में बनाया वहाँ मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ उनकी बात भी लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत उम्मीद करता हूं कि वो काम करेगा जो राष्ट्रपुत्रा ने नहीं किया क्रांतिकारी विचारधारा व्यक्तित्व को राष्ट्रपुत्र पहुंचाना था हमने पहुंचा है एक ही लगता है कि चर्षे आजाद को जो सम्मान जो स्थान नहीं मिला क्रांतिकारियों को स्थान सम्मान मिला ही नहीं उनको नाम लिवाता तक यहां तक नहीं रहा ना उनको पेंशन मिला ना कुछ मिला ना उनके परिवार को जानता है आज की तारीख में तो उनको जो जो अंग्रेजी राज्य के दरमियान भी अगर उसके बाद भी जो सम्मान स्थान नहीं मिला उसी वजह राजपुत्रा बनाई हमने राष्ट्रपुता क्रांतिकारियों को समर्पित है तो राजपुत्रा के बाद अमरवास बनाई हमने तो इनके माध्यम से जो किसी का हीरो जैसे हीरो आजाद है मेरे आदरणीय मेरा आराध्य डॉक्टर बी एस मुंजे हैं तो हम इनके अंदर की जो भी अच्छाइयाँ हैं जो, जो जोड़ने वाली अच्छाईया वही लेकिन लोगों तो जाएंगे बताएंगे जानेंगे तो एक आधी अधूरी जानकारी बहुत कम हो तो मैं तो चश्रे आजाद व्यक्तित्व को पहुँचाने का माध्यम बनाया राष्ट्रपुत्रा को फिर बेहतरीन रही गांधी सम्मान के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा अमरभास ने मुझे शक्ति दिया कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जिसकी भारत को जरूरत है हम हर बात सरकार के भरोसे क्यों रहें हम किसी संस्था के भरोसे क्यों रहें हम क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए देश के जो भी हमारे समय भगवान ने ज्ञान दिया उसके माध्यम से देश की कमियों को दूर करें चाहे जाति प्रथा हो चाहे धन धर्म प्रथा हो जो भी हो, इस प्रथा हो संप्रदायों को सिर्फ राष्ट्र के संप्रदाय में करें कि राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीय देश बड़ा कोई हो नहीं सकता इसी विचारधारा के तहत तो मैंने जो कमियाँ देखी साउथ और नॉर्थ के बीच में इसके लिए मैंने महानायक को एक ब्रिज के रूप में इस्तेमाल किया उसको बनाया मुझे उम्मीद है कि अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी वो हो, महानायकगन मगा नायकन उसको कहते हैं मगानायकन हाँ अब संस्कृत दो फिल्म शुरू करने वाला हूँ पहला एक तो जयतु संस्कृतम एक उत्तृष्ट है उदस्व भारतम दो फिल्म है जिसे भारत दिखाई देगा हमारी फिल्म भारत दिखाई देगा भारत के कल्चर दिखाई देंगे भारतीयता दिखाई देगी वो सनातनता दिखाई देगी जो भारत की बुनियाद है तो राष्ट्रपुत्र अहम ब्रह्माष्टमी महानायकन के बाद में जयतु संस्कृतम और उत्कृष्ट युधस्थ भारत लेके आ रहा हूं लिव फॉर कंट्री डाई फॉर कंट्री कोई भी राष्ट्र बड़ा होता नहीं देश के युवाओं के लिए देश में रहने वाले देश में जन्म लेने वाले इतने लोगों के लिए संदेश है कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीय यानी जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है पश्च निरा और मृतक समान है राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति व्यक्तित्वीयम एकमात्र सिद्धांत होना चाहिए हर व्यक्ति का जो भारत में रहता है